बोले सलाम वालेकुम, बाबा के पास आए, उनको इलाज कराए तो अच्छा हुआ, पता नहीं दूर हुआ। फिर लोगों के हमने आके कहेंगे कि ये हम लेके चलेंगे और वो काफ़ी देर से ठीक हुआ है, पता नहीं दूर हुआ। आपके अब्बा को क्या क्या फ़ायदा हुआ? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात है, हम तो आए हैं हिरम्मा से, हमारा घर पड़ता है सीवर ज़िला में, लेकिन चकिया बाबा आपके पास आने से हम लोग का दुख दूर हो गया, जो भी बीमारी था वो सब बीमारी ख़त्म हो गया। और जिन भाइयों हमारा ये आवाज़ सुन रहे हैं उन भाइयों से भी दरख्वास्त है कि कोई भी परेशानी होगा वो बाबा के पास आए, मैं देखा हुआ तब लेके आए। अच्छा, आने से बहुत लाभ मिला है ना? बहुत लाभ मिला है बाबा आपके पास। चलिए, बाबा भी हिंदुओं गुरु हैं, मुसलमानों का पीर हैं, बाबा आदम और शाही के ज़माने का फ़कीर हैं। भाईजान, अगर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे बड़ा इंसानियत होता है। और जो है सो कि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो अवश्य मिले, मिलने का पता है बारह चकिया रानीगंज मोहल्ला बाबा भूतनाथ आश्रम, वार्ड नंबर 4 है, जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ, जहाँ पे आपका बीमारी था वो सब दूर हुआ। मोहल्ला नाम का रानीगंज मोहल्ला वार्ड नंबर 4। तो बाबा जी, आपको परेशानी है, फायदा बहुत है ना? जी जी जी, ठीक है। यह चीज़ को अवश्य लोगों को बताया कहें कि यहाँ जाने से लाभ होता है, क्योंकि तो लोग बहुत भी अंधविश्वास में जाकर अपने समय को नष्ट करते हैं, पैसे खर्चा करते हैं, है कि नहीं? लेकिन ऐसा ना करें, कोई भी तकलीफ हो तो बाबा के पास आए, चकिया अपना दुख दूर हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोले आप, क्योंकि देखिए बाबा जी जो है कि ये हिंदू मुसलमान मानते नहीं हैं, इनके पास जो भी कष्ट में आते हैं उनका ट्रीटमेंट बाबा जी करते हैं, उनका कष्ट दूर होता है। कोई जाति धर्म से हुए हमको जाति धर्म से उनको लेना देना ही नहीं है, सब भाई हैं उनके, है ना? ठीक।